जो दिव्यांगजन मतलब पिछले हो के पिछले वर्ग में आ जाते हैं, जो अपनी हाथ पैर या कोई भी अंग किसी भी हादसे में हो या फिर डायबिटीज़ जैसे रोग से ग्रस्त हो के खोते हैं, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो ये संस्था 2019 से प्रयास कर रहा है, इसी का एक नमूना स्वरूप आप कह सकते हैं। ये जो बिलासपुर के जो जगह में हमारी केंद्र मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी की प्रयास में ये हम बिलासपुर में इसी एक प्रशिक्षण एक शिविर आयोजन किए हैं। मेरा ट्रक एक्सीडेंट में मेरा ये पैर कट गया था पूरा, और मैंने उसके बाद जयपुर में ये पैर लगवाया था, वो काफ़ी भारी था। और ये माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी की सहयोग से जीवन आशा हॉस्पिटल द्वारा ये मेरे को फ्री में मुफ्त में पैर लगाया गया है। मैं अनुराग ठाकुर जी तथा आशा जीवन अस्पताल के अधिकारियों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें नया जीवन दान किया है। ये 4 दिन के गेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि जो प्रशिक्षण शिविर होता है कृत्रिम अंग को पहन के विभिन्न प्रकार के कार्य करने की, उसी में हमने पेशेंट को पहना कैसे पैर पहनाए जाने से लेके कैसे पैर को साफ रखना है, पैर को दिन पूरे दिन में कितने समय इस्तेमाल करना है, पहनने के बाद उसको कैसे गाड़ी चलाना है या फिर छड़ी लेके कैसे चलना है, वॉकर लेके कैसे चलना है, ये भी मेरे सहयोगी सारे चीज़ हम पेशेंट को उनकी भाषा में समझाने की पूरी प्रयास किए हैं। जगदीश रामा हमारे भाई साहब है, जो अपने घुटने से नीचे 2 पैर खो गए थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो पैर है वो इस्तेमाल करके उसमें ज़्यादा भारीपन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे, एक्सिलरी क्रच लेके वो पहाड़ की जगह में बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, सीढ़ियाँ भी वो चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ व अनुभव कर रहे थे, लेकिन हमारी जो नए टेक्नोलॉजी के कार्बन फाइबर सॉकेट युक्त जो पैर उनको मिला, उसी पैर के हिसाब से वो पैर को पहन के आराम से गाड़ी भी चला पा रहे हैं, ताकि उनको एक नई जीवन का आरंभ वो हो गया ही, वो ऐसे सोच रहे हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का मैं धन्यवादी हूँ कि पहले मुझे बहुत दिक्कत आती है नए कृत्रिम अंग लगाने, जो कि सॉफ्ट हैं, लाइट वेट हैं, इससे मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से और अपने दिव्यांग भाइयों की तरफ से सभी का अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए। धन्यवाद।